हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। और आज की क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्या नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी नेशनल पार्क हैं उन सभी को आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पहला है स्टेट है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में आपके नेशनल पार्क जो पाए जाते हैं, एक आपका अंशीय राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। कौन सा? अंशीय राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, ये आपका कर्नाटक में होता है। और ये 1987 में, कब 1987 में ये बना था, यहाँ पर जो पाया जाता है क्या। और यहाँ से आपकी ये, यहाँ से इस जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ से काली नदी निकलती, क्या काली नदी निकलती है। यहाँ पर ग्रेट हॉर्नबिल पाया जाता है, बाघ पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है, और यहाँ पे काला तेंदुआ पाया जाता है, भालू पाया जाता है, हाथी पाया जाता है। तो यहाँ की जो इम्पोर्टेंट है, ग्रेट हॉर्नबिल और काला तेंदुआ, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये आपका अंशीय राष्ट्रीय उद्यान जो है, आपका नेशनल पार्क, ये कर्नाटक में है, ठीक है। यहाँ पे पाया जाता 1987 से इसको बाघ संरक्षण अधिनियम क्या घोषित किया गया था 1987 में, ठीक है। और ये 417.34 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है। उसके बाद कर्नाटक का अगला जो नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांदीपुर, अंशी और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये भी आपका कर्नाटक में ही। और ये 1974 में, कब 1974, ये है कितना है 874.20, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है? चीतल पाया जाता है, बंगाल टाइगर पाया जाता है, ग्रे लंगोर पाया जाता है, भारतीय विशाल गिलहरी और गौर, तेंदुआ पाया जाता है, सांभर हिरण पाया जाता है, भारतीय हाथी, शहद बजर्ड होता है, लाल सिर वाला यहाँ पर गिद्ध और मोर्न, ठीक है। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं चीतल और बंगाल टाइगर के लिए, बाकी आप किसी चीज के लिए, भारतीय विशाल गिलहरी ये भी, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बांदी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये स्थापित हुआ 1974। इतनी बात आप लोगों को बंगाल टाइगर, चीतल और भारतीय विशाल गिलहरी, इसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। उसके बाद में अगला है नागर होल, पहला था अंशी, दूसरा था बांदीपुर, तीसरा है नागर होल राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, 1988 में यह बना। इसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? राजीव गांधी। अभी पूछेंगे राजीव गांधी किसे कहते हैं, तो नागर होल को। उसके बाद में बन्नेरघट्टा जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में, 1986 में। कब? 1986 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। यहाँ पे बाघ पाया जाता, सुस्त भालू मोर, बस यहाँ पे बाघ की विशेषता है, ठीक है। अगला जो है कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है, 1987 से। कब से? 1987 में, ठीक है, 1987 में। अब बताओ कौन कौन से कर्नाटक के हैं। पहला था अंशी राष्ट्रीय उद्यान, वहां पर बताइए आप क्या पाया जाता था? चीतल पाया जाता था, क्या? चीतल पाया जाता था। और क्या पाया जाता था वहां पर जो इंपॉर्टेंट थी? बाघ भी पाया जाता था, काला जो था, काला वहां पर चीता पाया जाता था, काला तेंदुआ, ठीक है। उसके बाद में अंशी के बाद में बांदीपुर था, बांदीपुर के बाद में नागर होल नेशनल पार्क जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, उसके बाद है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, उसके बाद में पांचवा जो है कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ये पांच आपके कर्नाटक के हैं। उसके बाद में बात करेंगे केरल के नेशनल पार्क, कौन से? केरल के। पहला है अनामुडी सोला नेशनल पार्क, कौन सा? अनामुडी सोला नेशनल पार्क, ये केरल में है और इसे 2003 से मान्यता प्राप्त है। कब से? 2003 से। यहां से पंबर नदी निकलती, कौन सी? पंबर नदी, जैसे अंशी में पहले काली नदी निकलती थी। उसके बाद में दूसरा है एराबुकुलम, क्या है? एराबुकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका केरल में है, ये भी एराबुकलम केरल में है, 1978 से, ठीक है, 97 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। यहाँ पर नीलगिरी ताहर के लिए फेमस है, इसके नीलगिरी ताहर के लिए।
अगला है पंबादुप सोला राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका पंबादुप जो है ये भी आपका केरल में है, इसे 2003 से। यहाँ पर नीलगिरी मार्टन और यहाँ पर नीलगिरी लंगूर ये सब पाए जाते हैं, जबकि इसका नाम याद रखना पंबादुप, पंबादुम सोला राष्ट्रीय उद्यान, अनामुडी सोला नेशनल पार्क और एराबिकुलम राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में पेरियार नेशनल पार्क कई बार पूछा गया, ये भी केरल में है। यहाँ पर जो होता है मालाबार की ग्रे हॉर्नबिल पाई जाती है, नीलगिरी लाफिंग थ्रेस पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क नाम ही यहाँ से पेरियार नदी और पंबा नदी निकलती है। अगला है साइलेंट वैली, कई बार पूछा गया, ये भी केरल में है, कहाँ है, केरल में है। तो देखो कौन कौन से है, साइलेंट वैली है, क्या है साइलेंट वैली है, उसके पहले आपका पेरियार नेशनल पार्क है, पंबान दुम सोला नेशनल पार्क, एराविकुलम है और आपका अनाईमुडी सोला नेशनल पार्क, और उसके बाद में मथिकेतन, मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान, जो सोला लगे हुए ये सभी केरल के हैं, कहाँ के, केरल के, ठीक है, कहाँ के, केरल के हैं, मथिकेतन सोला राष्ट्रीय उद्यान हो चाहे आपका, ठीक है, ये सभी कहाँ के होते हैं, ये केरल के होते। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश का राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम था, जो आपका नागरहोल था वो भी आपका कहाँ, कर्नाटक का था, तो ये आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, रामेश्वरम में पड़ता है आंध्र प्रदेश। उसके बाद में अगला है आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, तो वेंकटेश्वर भगवान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आंध्र प्रदेश में है, कहाँ है, आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, यहाँ पर जो रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। उसके बाद में अगला है ओडिशा, ओडिशा के जो पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपके नेशनल पार्क एक सिमलीपाल है, एक दूसरा है भीतरकनिका। सिमलीपाल ये भी ओडिशा में 1980 में बना है, यहाँ पर जो बाघ पाया जाता है, क्या पाए जाते हैं, सिमलीपाल में बाघ पाए जाते, एशियाई हाथी पाए जाते और तेंदुआ, जबकि यहाँ पर भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ये भी ओडिशा में 1985 से, यहाँ पर मैंग्रोव के पाए जाते हैं, खारे पानी के मगरमच्छ, सफेद मगरमच्छ इसके लिए फेमस है भीतरकनिका। अगला है त्रिपुरा नेशनल, त्रिपुरा के नेशनल पार्क, त्रिपुरा के कौन कौन से हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, कौन सा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। उसके बाद में अगला है बाइसन राजबारी राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन राजबारी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका त्रिपुरा में है, कहाँ है, त्रिपुरा में, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन, जबकि भीतरकनिका और आपका कौन का सा, भीतरकनिका और आपका उसका क्या नाम है, सिमलीपाल, ये दोनों ओडिशा के हैं, भीतरकनिका सिमलीपाल, ठीक है, क्लाउडेन और बाइसन ये कहाँ के हैं, ये आपके कहाँ के हैं, इनका है आपके त्रिपुरा के। उसके बाद में है जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, या जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क, सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, किश्तवाड़ भी जम्मू कश्मीर में है राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है, और यह भारत का सबसे बड़ा है, कहाँ का, भारत का सबसे बड़ा, जबकि सबसे पुराना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड का, सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क, 4400 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ, ठीक है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में है, काचीगंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, कौन का, सलीम अली है, हेमिस है, किश्तवाड़ है, काचीगंगा है, ठीक है, और यहाँ पर काचीगंगा में एकमात्र क्षेत्र है जहां पर कश्मीर हिरण पाए जाते हैं। अगला है असम के नेशनल पार्क कौन कौन से, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पाटकाई राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपका असम में है, मानस अभ्यारण्य भी है, ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, ये भी आपका असम में पाया जाता है, ये आपके एक सिंह के लिए मानस जो है काजीरंगा, क्या है, काजीरंगा जो है ये आपका एक सिंह के लिए गैंडे के लिए, ये भी आपका असम में है, रायसोना राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है और काजीरंगा भी आपका असम में है, काजीरंगा जो है दुनिया का सबसे अधिक
ज्ञात भाग घनत्व वाला है और इसमें भारतीय गैंडा और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत का धरोहर में शामिल किया गया है, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, स्थल घोषित किया गया है काजीरंगा और ये एक सिंह के गैंडे के लिए। और आपका नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में है, ओरांग भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, असम में। असम में कौन कौन से थे, ओरांग था, नामेरी था, काजीरंगा था, डिब्रू साइखोवा था, कौन सा डिब्रू साइखोवा था, ओरांग था, नामेरी था, काजीरंगा था, रायसोना था, मानस था और देहिंग था डिब्रू। ठीक है, कौन कौन से थे देख लीजिए, डिब्रू साइखोवा था, देहिंग पटकाई, मानस था, काजीरंगा था, काजीरंगा था और रायसोना था, कौन सा था रायसोमोना था और उसके बाद में नामेरी ओरंग था। अगला आ जाते हैं राजस्थान के नेशनल पार्क, कौन कौन से थे, राजस्थान के नेशनल पार्क हैं मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा मुकुंद्रा हिल्स, डेजर्ट नेशनल पार्क है ये भी राजस्थान में है, इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जाना जाता है, डेजर्ट बस्टर्ड। ठीक है, केवला देव है ये भी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका राजस्थान में है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के स्थल में शामिल किया गया जैसे आपका काजीरंगा उसी प्रकार इसको। और रणथंभौर राजस्थान का जो है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान का, इसे 1921 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और सरिस्का जो है ये भी आपका कहाँ है, राजस्थान में, सरिस्का है, रणथंभौर है, केवला देव है और डेजर्ट है मुकुंद्रा हिल्स है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक ही है, कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क, ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पर बाघ है, 1977 में इसे क्या किया गया, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसके बाद में अगला है गुजरात, गुजरात के नेशनल पार्क कौन से हैं, गुजरात के जो नेशनल पार्क हैं वो आपके कौन सा है, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है, बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में, यहाँ पर तेंदुआ ये सब पाए जाते हैं, तेंदुआ पाया जाता है। और उसके बाद में रीसस मकाक जो है ये, उसके बाद गिर राष्ट्रीय वन है जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं, ये भी आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है, ये भी गुजरात में 1975। उसके बाद में समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, कहाँ है, कच्छ की खाड़ी। और कबक जो है, कौन सा कबक जो है, जिसे ब्लैक बक भी कहते हैं, कबक जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका वेलावदार गुजरात में है, 1976 में इसे दर्जा दिया गया। उसके बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है, कौन सा बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, बक्सा है, इसे बुक्सा कहते हैं, क्या कहते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, इसे भी 1984 में यूनेस्को ने विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया। सिंगालीला जो है, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में है, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है सिंगालीला। उसके बाद में जल्दापारा जो भी है ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है, जल्दापारा में भारतीय गैंडे पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, भारतीय गैंडे जो है ये जल्दापारा में पाए जाते हैं। गोरुमारा भी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी पश्चिम बंगाल में है। नेओरा घाटी जो है, क्या है, नेओरा घाटी, नेओरा घाटी जो है ये भी आपका पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, क्या, पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके पिन वैली नेशनल पार्क है, कौन सा पिन वैली है नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। खीर गंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में, कौन सा, खीर गंगा। उसके बाद में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है और इसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। उसके बाद में सिंबल पारा जो है, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका हिमाचल प्रदेश। अगला है तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान, तमिलनाडु के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं आप जानते हैं। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका तमिलनाडु का है, यहाँ पर है 2000 से अधिक चीतल पाए जाते हैं, 493 काले हिरण और 84 सियार पाए जाते हैं। मुकुर्ति राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है, यहाँ पर नीलगिरी ताहर पाए जाते हैं। मुदमुलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका तमिलनाडु में है, कहाँ है, तमिलनाडु में है,
यह भारत का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, पहला तो जिम कार्बे उत्तराखंड, यहां पर 103 बाघ पाए जाते हैं और मोयर नदी से। मन्नार की खाड़ी जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका तमिलनाडु में है, 1980 में इसे घोषित किया गया है। यहाँ पर होयल की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, 8 होयल की प्रजातियां और छोटे प्रवाल द्वीप 21 पाए जाते हैं। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु में है, यहाँ पर 42 भाग हैं, तेंदुआ, हाथी, जंगली सुअर और हिरण ढोल पाए जाते हैं। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क जो है, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, गुरु घासीदास। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर जंगली एशियाई भैंस पाई जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका छत्तीसगढ़ में। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड में यूनेस्को इसे विश्व धरोहर स्थल में और जबकि यूनेस्को विश्व बायोस्फीयर रिजर्व के घोषित भी करता है। जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में 1936 में दर्जा दिया गया। भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1936 में इसे हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है, इसे यहाँ से गौमुख ग्लेशियर गंगा निकलती है। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, कहां है, उत्तराखंड में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां है, उत्तराखंड में, कहां है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तराखंड में है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, दुनिया का सबसे खूबसूरत राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी। हरियाणा के नेशनल पार्कों की बात करोगे तो कालेश्वर नेशनल पार्क है हरियाणा में, यहाँ से यमुना नदी के तट पर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ, ये भी हरियाणा में है। मध्य प्रदेश की बात करोगे तो संजय राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, संजय राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य विहार राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। पुनो राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एशियाई शेर जो है पुनर उत्पादन परियोजना चल रही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर बारह सिंघा या दलदली हिरण के लिए प्रसिद्ध है। माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। मांडला प्लांट फॉलिप्स नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है 1983 से। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में है, जबकि आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक एनपी में स्थापित हुई थी। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तेलंगाना के राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिणा वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में, कौन सा, महावीर हरिणा वन स्थली राष्ट्रीय उद्यान। मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में है। खास ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान भी तेलंगाना में। अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। गुगामाल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी महाराष्ट्र में है। भारतीय तेंदुआ, रीसस मकाक, बोनट मकाक, चित्तीदार हिरण, ये सब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी कहाँ था, तेलंगाना में था राजीव गांधी, और आपका राजीव गांधी कहाँ था, कर्नाटक में, जिसे नागर होल। हनुमान लंगूर पाया जाता, भारतीय फ्लाइंग फॉक्स पाया जाता, भारतीय खरगोश, बार्किंग हिरण। टडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता, कहाँ, टडोबा महाराष्ट्र में पाया जाता। 625 यहाँ पे टाइगर है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका महाराष्ट्र में है। अब गोवा के राष्ट्रीय उद्यान की बात करोगे, गोवा में मालेम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है गोवा में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपके गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है।
कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, ये भी आपका कई बार पूछा गया माउंट हैरियट, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, और कैंपबेल भी पूछा गया है। मध्य बटन द्वीप द्वीप स्टार्टल क्या होता, मध्य बटन द्वीप स्टार्टल पार्क जो है ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साउथ बटन पूछ ले या उत्तर बटन राष्ट्रीय उद्यान या आइसलैंड, ये भी दोनों आपके कहां पे है, साउथ बटन हो उत्तर बटन हो या मध्य बटन हो, ये सभी आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। झांसी की रानी रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहां, अंडमान निकोबार। साइडल पीक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। मिजोरम में आपका फागुपुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क मिजोरम में है। मुरलेन नेशनल पार्क भी मिजोरम में है। मणिपुर की बात करोगे तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केबुल लामजाओ जो एकमात्र तैरता हुआ दुनिया का नेशनल पार्क है, लोकटक झील में है। अरुणाचल प्रदेश में माइलिंग नेशनल पार्क है, कौन सा, माइलिंग नेशनल पार्क है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है, नामदफा है। मेघालय की बात करोगे तो आपका बल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय में है। यूनेस्को द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। झारखंड की नेशनल पार्कों की बात करोगे तो एक ही है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बाघ, भारतीय बाइसन, लकड़बग्घा, हाथी, तेंदुआ, उत्तर। उसके बाद में नागालैंड में नटांग की राष्ट्रीय उद्यान है नागालैंड में, कहाँ पर, नागालैंड में। उसके बाद में बिहार की बात करोगे, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद में सिक्किम की बात करोगे तो यहाँ पर खांगजेंगजोगा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, खांगजेंगजोगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कंचनजंगा भी राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हो सिक्किम का, ठीक है, क्या कह सकते हो, कंचनजंगा। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से शामिल किया गया। अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे यहाँ पर माइलिंग नेशनल पार्क है, कौन सा, माइलिंग नेशनल पार्क है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से थे, आप देख रहे थे सलीम अली थी नेशनल पार्क, ताचीगम था, किश्तवाड़ था, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में था, भारत का सबसे बड़ा। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश का इंदर किला था, खीर गंगा था, पिन घाटी था, सिम बालबारा था। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, उत्तराखंड में आप जानते जिम कार्बेट था, भारत का सबसे पहला 1936 से। राजा जी नेशनल पार्क था, नंदा देवी था, गोविंद पश विहार था, गोविंद गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान था, और फूलों की घाटी था, क्या था, फूलों की घाटी। उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो दुधवा नेशनल पार्क था। हरियाणा की बात करोगे कालेश्वर था, सुल्तानपुर था, ठीक है, कालेश्वर था, सुल्तानपुर था। बिहार में एक ही था वाल्मीकि नेशनल पार्क, क्या था, वाल्मीकि नेशनल पार्क। उसके बाद में हरियाणा की बात हो गई, राजस्थान की बात करोगे तो राजस्थान में आप जानते रणथंभौर था, सरिस्का था, किश्तवाड़ नेशनल पार्क था, क्या था, मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क था, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान था, कौन था, केवलादेव था। उसके बाद में मध्य प्रदेश की जब आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से, मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा थे बांधवगढ़ था, कान्हा था, माधव था, पेंच था, पन्ना था, संजय था, सतपुड़ा था, ठीक है, ये सभी आपके मध्य प्रदेश के। गुजरात की बात करो तो गुजरात में आपका बंसदा था, गिर था, और समुद्र राष्ट्रीय उद्यान था, ये सभी, और आपका ब्लैक बक जो था ये आपके गुजरात के थे। जबकि महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र के एक चंदोली पढ़ा था आपने, गोगामल पढ़ा था, नवे गांव पढ़ा था, पेंच पढ़ा था, संजय गांधी था, और
संजय गांधी था और तदोबा था, ये आपके कहां के थे, ये आपके महाराष्ट्र के थे। गोवा का एक ही था मोलम नेशनल पार्क। कर्नाटक सबसे पहले पड़े थे, अंशी था, बांदीपुर था, बन्नेरघट्टा था, कुंद्रेमुख था, राजीव गांधी जिसे नागर होल कहते थे। ठीक है, केरल की बात कर लेते हैं, तो केरल में आपने पढ़ा था अनाईमुडी था, इराविकुलम था, मथिकतन 16 था, पराबिकुलम 16 था, पेरियार था, साइलेंट वैली था, पेरियार साइलेंट वैली, ये केरल के। ठीक है, उसके बाद में आप जानते झारखंड की बात करते तो बेतला ही था, क्या था, बेतला था। ओडिशा की बात करते आप भीतरकनिका था, सिमलीपाल था, ये आपके कहाँ के थे, ओडिशा के थे, कहाँ के थे, ओडिशा के थे। जबकि छत्तीसगढ़ की बात करोगे तो इंद्रावती था, कांगेर घासी था, गुर घासीदास था। तेलंगाना की बात करोगे के सुब्रह्मा रेड्डी थी, महावीर हरिना थी, और क्या था, मुर्गावनी था। आंध्र प्रदेश की बात करोगे पापी कोंडा था, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम कहते, श्री वेंकटेश्वर ये थे। तमिलनाडु की बात करोगे तो आप जानते गिंडी था, मन्नार मैरीन था, इंदिरा गांधी जिसे अन्नामलाई कहते थे, मुदमलाई था, मुकुर्ती था, क्या था, मुदमलाई और मुकुर्ती था। अंडमान निकोबार की बात करोगे तो आपने कहा था कैंपबेल था, गालाथिया था, महात्मा गांधी था, रानी झांसी मैरीन था, सैडल पीक था, साउथ बटन था, मध्य बटन था, उत्तरी बटन था, ये आपके कहाँ के थे, ये आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के थे। पश्चिम बंगाल की बात करोगे बुक्सा था, गोरुमारा था, न्योरा था, सिंगालीला था, सुंदरवन जल्दापारा था, क्या था, जल्दापारा था। जबकि आपके त्रिपुरा की बात करते हैं तो आपके कौन कौन से थे, त्रिपुरा के एक आपका क्या था, क्लाउडेड था, लेपर्ड बायसन था। अरुणाचल प्रदेश की बात करोगे तो अरुणाचल प्रदेश का माउलिंग था जिसे नामदफा भी कहते, क्या कहते, नामदफा भी अरुणाचल प्रदेश का था। मेघालय की बात करोगे तो बाल प्रक्रम नोकरेक रिज था, कौन था, नोकरेक रिज था। ठीक है, और आपके असम की बात करोगे डिब्रू साइकोवा, काचीरंगा था, मानस था, नामेरी था, औरंग था, ये सभी आपके कहाँ के थे, ये आपके असम के थे। मणिपुर की बात करोगे तो कैबुल लाम जाओ एक ही था और आपका सिरोही था, ये दो थे मणिपुर के। नागालैंड की इटोंगी था। मिजोरम की बात करोगे तो आपका मुरलेन था, फवंगपुई नीला पर्वत था, ये आपके वहां के थे। ठीक है, तो आप समझ गए, तो इतने सारे जो थे ये आपके नेशनल पार्क थे। और आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए आपको अगर ये क्लास पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।